हेलो बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। मैं आज आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम में एग्जम्पशन कैसे ला सकते हो, और उसके कुछ ट्रिक्स है जो आपको पता चल गए तो आप एग्ज़ाम में 100% पेपर सॉल्व कर सकते हो, और आप पहले से ही पता कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आने वाला हो। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आपके सामने एक चैप्टर है, दैट इज़ EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉज एंड इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट्स का, ECIPL का, दैट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि एक क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज मीन बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड इसके पर्पज क्या। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे उसमें क्लियरली मेंशन किया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बनाया गया। अब अगेन अगर आप नीचे आओगे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर थ्री, अब ये 2021 में पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री अगर आप देखोगे तो ये वापस 2022 में पूछा है कि स्पेशल व्हाट इज द गाइडलाइंस फॉर द नोटिफाइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपको पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए सिंपल सी प्रोसीजर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोई भी सेक्टर्स को अगर अनाउंस करना है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अनाउंस कर सकता है। उसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अपॉइंट किया है, एक कमेटी अपॉइंट किया है। सो उस कमेटी के पास से आपको अप्रूवल देना पड़ता है, वो अप्रूवल देने के बाद ही आपको उसका सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो ये सिंपल प्रोसेस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। अभी अगेन ये 2000 पूछा है तो इसका मतलब ये वापस पूछेगा, तो नीचे वापस एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी को क्रिएट किया जहाँ पे आप परमिशन ले सकते हो, अगेन सेम प्रोसेस। तो मैंने आपको बोला कि अगर आप पॉइंट्स रखोगे ना निकाल के कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, इसके अथॉरिटी कौन है, इसके पास अथॉरिटी कौन कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ एप्रूवल है, डेवलपमेंट कमिश्नर से, ये चार अथॉरिटीज़ है, तो आपको इनके पास से परमिशन ही नहीं। तो आपने अगर पॉइंट्स बना लिए ऐसे तो आप कभी फेल ही नहीं हो पाओगे और पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिख पाओगे। मैं आपको अगेन एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर आप फिफ्थ देखना, यहाँ पे पूछा ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है। अब यहाँ पे अगेन ऑफशोर बैंकिंग के बारे में पूछा है एंड क्वेश्चन नंबर टू भी वापस पूछा है कि ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है। तो मैं आपको बोला क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर के लास्ट 3 साल के पूरे सॉल्व करने हैं। अगर आप ये कर दे तो 90% क्वेश्चन रिपीट आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, बट उसके आंसर हमेशा सही होते हैं। तो अगर आपके पॉइंट्स रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो मैं आपको गारंटी देगा अगर आप ऐसे हर चैप्टर वाइज करोगे तो आपको इसका बेनिफिट 100% होगा बच्चों। ये मैं गारंटी देगा क्योंकि खुद मैंने 76-66 ऐसे मार्क्स किया बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। तो अगर आपको ये टेक्निक बहुत अच्छे से याद आई है और आपको ऐसी बहुत सारी टेक्निक चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।